हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं CU CET एग्जामिनेशन के बारे में। और काफ़ी सारी चीज़ों की जानकारी हमें उसके फुल फॉर्म को पता होने के बाद ही हो जाती है। तो यहाँ पे जो फुल फॉर्म है CU CET का, वो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। और इसके अंदर में लगभग 54 यूनिवर्सिटी इस बार आने वाली है। और UG का जो एडमिशन होने वाला है बहुत सारे कोर्सेज के, जैसे BA BCOM BSc, जितनी भी भारत में सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, मैक्सिमम यूनिवर्सिटी लगभग 54 के अराउंड यूनिवर्सिटी इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। NTA के द्वारा एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जा रहा है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। और इस एग्जामिनेशन को आप पास करेंगे तभी आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे मैं बात करूँगा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का, क्योंकि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जो ब्रोकर या ब्रोशर कह सकते हैं, जो या प्रोस्पेक्टस कह सकते हैं, उसका इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने ऑफिशियल अपने वेबसाइट पर लॉन्च कर दिया है। एक एक चीज़ों को हम लोग डिटेल में देखेंगे और समझेंगे कि इस कोर्स में कितना सीटें हैं, कैसे एडमिशन होना है और किस तरीके का एग्जामिनेशन पैटर्न होने जा रहा है। क्योंकि ये एग्ज़ाम इस तरीके के कोर्सेज के लिए, खास करके सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कोर्सेज के लिए, ये एग्ज़ाम पहली बार होने जा रहा है जो NTA कंडक्ट करा रही है। और इसी के बेस पे आपको एडमिशन मिलने वाला है। तो आप सभी को इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना है, हर एक डाउट क्लियर हो जाएगा एकदम शुरू से लेकर लास्ट तक। देखिए, आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद की तरफ से जो ब्रोशर आया है वो लगभग 96 पेज का है। तो एक एक लाइन तो यहाँ पे नहीं पढ़ा जा सकता है, लेकिन जो भी आपके मतलब का होगा, जो भी इम्पोर्टेंट होगा, उसको मैं यहाँ पे क्लियर करूँगा और बताने की कोशिश करूँगा कि किस तरीके से आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ। तो यहाँ पे लिखा है ब्रोशर ऑफ अंडर ग्रेजुएट एडमिशन इन रेगुलर एंड प्रोफेशनल कोर्स। सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि रेगुलर कोर्स और प्रोफेशनल कोर्स में क्या होता है। तो रेगुलर कोर्स को हम ये कह सकते हैं कि एक तरीके से वो ऑर्डिनरी कोर्स होता है, जैसे कि BA BSc या BCOM ये कह सकते हैं। और प्रोफेशनल कोर्स में वो कोर्स आ जाते हैं जैसे कि BCA MCA, इस तरीके के जो भी कोर्स हैं, BVOC, इस तरीके के जो भी कोर्सेज होते हैं। और मैक्सिमम इस तरीके के जो भी कोर्सेज होते हैं वो सेल्फ फाइनेंस कोर्स होते हैं। क्या मतलब है? उसकी फीस थोड़ी ज़्यादा होती है, वो एक तरीके से गवर्नमेंट फंडेड नहीं कह सकते हैं उसे। तो मान लीजिए जैसे BCMC की बात की जाए तो 50,000 60,000 सालाना फीस होती है। और यहीं BA BCOM BSc की बात की जाए तो कहीं 1200 फीस है, कहीं 1500, कहीं 2000, कहीं 2500। ये डिपेंड करता है कि आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी है और उसके कंस्टिट्यूएंट कॉलेज कौन से हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेशन 2022-23 लिखा हुआ है। इसी तरीके से आगे बढ़ाते हुए देखिए, बैचलर ऑफ आर्ट BA BSc, चाहे वो मैथ हो या साइंस हो, और चाहे होम साइंस हो, BCOM, बैचलर ऑफ कॉमर्स, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स, बैचलर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, यहाँ पे दिया है। ईच कैंडिडेट विल ऑल्सो हैव टू मेंशन हिज और हर सब कैटेगरी अलॉन्ग विथ हिज हर ओवरऑल कैटेगरी। मतलब आपको अपनी कैटेगरी भी बतानी है कि आप अनरिजर्व हैं, SC हैं, ST हैं, OBC हैं, AWS हैं। यहाँ पे आपका डिडक्शन भी किया जाएगा, टू गिव द बेनिफिट टू स्टूडेंट हुए पास द क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन इन द करेंट ईयर। मतलब कि 2021 और 22 में जो स्टूडेंट पास किए हैं उनके लिए एक बेनिफिट देने के लिए 5% मार्क्स डिडक्ट किया जाएगा आपके जितने भी गैप ईयर होंगे उस पर। और ये 15% से ज़्यादा नहीं हो सकता। मान लीजिए आप 3 साल गैप हैं तो ये 15% होगा, और 4 साल गैप है तो भी 15 ही% होगा। एवरी कैंडिडेट विल हैव टू डिक्लेयर एनी डिसिप्लिनरी एक्शन। अगर आपके खिलाफ कोई मुकदमा या धाराएं लगी हैं पुलिस स्टेशन में तो आपको फॉर्म में बताना होगा। ऐसे ही कुछ और डिटेल यहाँ पे दिया गया है जो कि आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। वीडियो बहुत लंबी हो जाएंगी इसलिए मैं इसको नहीं पढ़ता हूँ। यहाँ पे बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्या होने वाली है। एन एप्लीकेंट हु हैव पास और अपीयर इन एनी स्ट्रीम ऑफ द इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन। कोई भी एप्लीकेंट जो कि इंटरमीडिएट का एग्जामिनेशन पास किया है, चाहे वो यूपी बोर्ड से हो, CBSE से हो, ICSE से हो, या एनी एग्जामिनेशन बोर्ड जो कि यूनिवर्सिटी ऑर्डिनेंस 2008 और UGC रेगुलेशन से डिसाइडेड हो, और BCOM के लिए यहाँ पे दिया है कि द कैंडिडेट हु हैव पास और अपीयर इन द एबव एग्जामिनेशन विद कॉमर्स स्ट्रीम और साइंस स्ट्रीम विल बी एलिजिबल फॉर एडमिशन टू BCOM। अगर आप साइंस से भी अपना इंटरमीडिएट पास किए हैं, कॉमर्स से भी पास किए हैं, तो आप BCOM में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हैं।
और बेसिकली अब यहाँ पे बात आती है कि जो टेस्ट है वो सिलेबस क्या होने वाला है। तो यहाँ पे लिखा है कि जो बीए का एडमिशन है उसके लिए टेस्ट जो होंगे उसमें चार सेगमेंट में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला जो सेगमेंट है वो इंग्लिश और हिंदी है, जिसमें से आपको एक सेलेक्ट करना है, या तो इंग्लिश या तो हिंदी, और जनरल अवेयरनेस सामान्य जागरूकता कह सकते हैं 25 क्वेश्चन इससे आपको पूछे जाएंगे। जनरल मेंटल एबिलिटी टेस्ट इससे भी 25 क्वेश्चन होंगे, और सब्जेक्ट टेस्ट हो गए, सब्जेक्ट कौन कौन से होंगे यहाँ से आप सब्जेक्ट से सेलेक्ट कर सकते हैं, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, हिस्ट्री, लॉजिक, संस्कृत, उर्दू एंड विजुअल आर्ट्स, इसमें से जो भी आपको सेलेक्ट करना होगा उस सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेंगे, और उसमें से आपको 75 क्वेश्चन बताने होंगे। इसी तरीके से BFA का दिया है और BPA का दिया है, BCom का दिया है। BCom का मैं एक बार बता देता हूँ, इसमें आपको पहले सेगमेंट में पूछा जाएगा या तो जर्नल इंग्लिश या जर्नल हिंदी, कोई एक सेलेक्ट करना है। जर्नल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन होंगे, और कॉमर्स के जो क्वेश्चन होते हैं जो आपने इंटरमीडिएट लेवल में पढ़ा है, जैसे आप अकाउंटेंसी पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, बिजनेस पढ़ते हैं, वो सारे क्वेश्चन जो होंगे वो 100 क्वेश्चन होंगे। इसी तरीके से BSc के लिए दिया है। तो ये सारी चीज़ें आपका जिस भी कोर्स में एडमिशन लेना है उसको आप पढ़ लीजिएगा, मैं आगे बढ़ाता हूँ। और इसमें कुछ रिजर्वेशन की बातें की गई हैं कि 15% SC कैटेगरी के लिए, 7.5% ST के लिए, और 27% जो सीट्स होती हैं वो OBC के लिए रिजर्व रखी जाएंगी। इस तरीके का सिस्टम बताया गया है। कुछ NCC के लिए भी है, कुछ स्पोर्ट कोटा के लिए भी है, जो कि आप लोग पढ़ लीजिएगा। कुछ पर्सन विथ डिसेबिलिटी के लिए भी कुछ यहाँ पे छूट दी गई है, या आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के टीचर हैं या एम्प्लॉय हैं उसका भी एक कोटा होता है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है BSc मैथ के लिए, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, ये आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होने वाले हैं, आप इसको भी पढ़ लीजिएगा। बायोलॉजी में इतने सारे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, डिफेंस स्टडी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, बायो केमिस्ट्री, इस तरीके के सब्जेक्ट होने वाले हैं। BA में बहुत सारे यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, आप अपने हिसाब के साथ, आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से सब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं, कब, एट द टाइम ऑफ द एडमिशन, या फॉर्म फिल करते टाइम जब भी ऑप्शन आता है, वैसे एडमिशन के टाइम ही होता है। देखिए बहुत सारे यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन से सब्जेक्ट लेना चाहते हैं। अब यहाँ पे लिखा है काउंसलिंग एंड एडमिशन प्रोसेस, तो यहाँ पे एडमिशन विल स्टार्ट इन द मंथ ऑफ, यहाँ पे मंथ नहीं दिया है, और ये इसकी सारी जो जानकारी होगी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट www.allduniv.ac.in पे आपको मिलेगी, ये बताया गया है। और कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे हाई स्कूल या उसके इक्विवेलेंट, इंटरमीडिएट या उसके इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट का मतलब या उसके बराबर होता है, ओरिजिनल TC सर्टिफिकेट, मतलब ट्रांसफर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, और एडमिट कार्ड जो कि आपको यूनिवर्सिटी ने दिया होगा एग्जामिनेशन के टाइम में आपको मिलता है वो, एडमिशन फीस, और एडिशनल डॉक्यूमेंट टू बी प्रोड्यूस बाई कैंडिडेट क्लेमिंग वेटेज प्रीमियम स्पेशल कंसिडरेशन। कोई अगर आप स्पेशल कोई डॉक्यूमेंट आपके पास है जिससे आपको छूट मिलने वाला सिस्टम रहता है तो उसको भी आप ला सकते हैं। इसी तरीके से और भी डिटेल यहाँ पे दिया गया है, ये कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं जो कि हिंदी में है, मैंने जो बताया होगा वही इसको हिंदी में दिया होगा। आइए और नीचे चलते हैं, कुछ और काम की बातें होंगी जो कि इसमें देख लिया जाएगा। वही जो चीजें हम लोग पिछली बार बात किए हैं अभी कुछ देर पहले इंग्लिश में, उसी को यहाँ पे हिंदी में बताया है कि कौन कौन से आपको सब्जेक्ट BCom में पूछे जाएंगे, BSc में पूछे जाएंगे। इसको मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा इस वीडियो के, इस PDF फाइल को आप देख सकते हैं, या लिंक डाल दूंगा, या www.इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जो वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट है ALDUNIV.AC.IN, उससे भी आप डाउनलोड कर सकते हो। देखिए अब यहाँ पे आ गया है बात फैकल्टी ऑफ लॉ का, जो कि इसमें जो कोर्स आते हैं वो है BE LLB, जो कि 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स होता है, और इसमें भी 5% और 15% डिडक्शन का बात किया गया है गैप ईयर के लिए। इसके लिए जो एलिजिबिलिटी होने वाली है
क्या होने वाली है, इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। स्टूडेंट एट वट अ टाइम ऑफ ज्वाइनिंग द कोर्स ऑफ स्टडी इन लॉ ऑफ डिग्री इन लॉ हैव पास एन एग्जामिनेशन ऑफ 10+2 और 11+1 कोर्स ऑफ स्कूलिंग रिकॉग्नाइज्ड बाय एकेडमिक काउंसिल ऑफ द यूनिवर्सिटी और पोजेस सच एकेडमिक क्वालिफिकेशन विच आर कंसिडर्ड इक्विवेलेंट। वही है, और यहाँ पे दिया गया है कि 45% मार्क्स आपके होने चाहिए जनरल कैटेगरी के केस में, 42% होने चाहिए ओबीसी अगर आप हैं तो, और 40% होने चाहिए ईएससी या एसटी हैं तो, तभी आपको एडमिशन मिलेगा। ये इसकी फीस क्राइटेरिया है, फी स्ट्रक्चर है। ट्यूशन फीस जो है वो 32,000 पर साल है, मतलब अगर 5 साल का कोर्स है तो आप जोड़ सकते हैं 32 × 5। और इसका एडमिशन फीस जो है 2500, मतलब 2500। लाइब्रेरी का डिपॉजिट होगा 2500 रुपये, जो कि आपको रिफंड हो जाएगा। एकेडमिक सपोर्ट सर्विस 5000 रुपये जमा करना है आपको। कैंपस डेवलपमेंट फीस 3000, एग्जामिनेशन फीस 4500, एनुअल ड्यूज 500 और री एडमिशन फीस आपको 20,000 पर सेमेस्टर यहाँ पे देने होंगे। और द एंटायर एनुअल फीस अमाउंटिंग 50,000 शैल बी चार्ज एट द टाइम ऑफ द एडमिशन टू द फर्स्ट सेमेस्टर। आप फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लेने जाएंगे बी ए एल एल बी में, तो आपको 50,000 रुपये पेड करना है और एनुअल फीस 45,000 विल बी सबमिटेड बाई कैंडिडेट ईच ईयर। इसके बाद हर साल आपको 45,000 रुपये की फीस सबमिट करनी है। कितने सेमेस्टर तक, यहाँ पे क्या कहा गया, ईयर एट द टाइम ऑफ एडमिशन इन द थर्ड फिफ्थ सेवन्थ एंड नाइन्थ सेमेस्टर। हाँ, इसके बाद आपको थर्ड सेमेस्टर फिफ्थ सेमेस्टर सेवन्थ सेमेस्टर और नाइन्थ सेमेस्टर में फीस जमा करना है। और द स्टूडेंट हु फाइंड अकोमोडेशन इन द हॉस्टल ऑफ यूनिवर्सिटी विल हैव टू बियर द हॉस्टल चार्जेस सेपरेटली एज पर। अगर आप हॉस्टल लेते हैं तो आपको हॉस्टल का जो चार्ज होता है वो अलग से पेड करने की जरूरत पड़ेगी। और यहाँ पे सेमेस्टर वाइज एलोकेशन ऑफ सब्जेक्ट या पेपर है, इसमें आप देख सकते हैं क्या क्या आपको सब्जेक्ट पढ़ने हैं। पूरा यहाँ पे 10 सेमेस्टर का सिस्टम दिया हुआ है। एडमिशन प्रोसीजर क्या है इसका, इसका जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे वो लैंग्वेज कम्प्रिहेंशन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हिंदी और इंग्लिश से 25-25 क्वेश्चन। जर्नल अवेयरनेस और करेंट अफेयर इसमें आपको देखने को मिलेंगे 50 क्वेश्चन। और रीजनिंग मेंटल एबिलिटी एंड लीगल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आपको मिलेंगे यहाँ पे 50 क्वेश्चन 25-25 क्वेश्चन। तो मतलब ये जो पूरे क्वेश्चन होने वाले हैं इसके अगर मार्क्स की बात की जाए तो 300 नंबर के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, स्पेशली बी एल एल बी के लिए। फिर यही इसमें बात की गई है 5% डिडक्शन और 15% तक मैक्सिमम तक के लिए जो गैप ईयर होता है। ऐसे ही हर कोर्स का यहाँ पे जानकारी दिया गया है। 96 पेज में सारी चीजें मेंशन की गई है। अभी हम लोग 34 नंबर पेज पे हैं। मैं बहुत जल्दी जल्दी इसको आगे करके कर देता हूँ। हॉस्टल के बारे में भी, कंप्यूटर लैब के बारे में भी जानकारी दी गई है, आप अपने हिसाब से पढ़िएगा। बहुत सारी जानकारी आपको यूनिवर्सिटी के बारे में मिलेगी। ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल नोटिस है 2022 और 23 के एडमिशन के लिए। जो बच्चे 2022 में 12th पास कर रहे हैं, अभी पेपर दे रहे हैं, उनके एडमिशन के लिए। अब यहाँ पे आ गया है प्रोफेशनल स्टडीज। प्रोफेशनल स्टडी में कौन कौन कोर्स आते हैं, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, वी वॉक फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी, बी ए इन मीडिया स्टडी, वी वॉक इन मीडिया प्रोडक्शन, बी ए इन फैशन डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी, वी वॉक डिग्री प्रोग्राम इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। कुछ 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम भी हैं जो कि बी सी और एम सी ए साथ में है, और यू जी एंड पी जी फूड टेक्नोलॉजी प्रोग्राम है, ये दोनों कोर्स हैं। यहाँ पे आपको क्या एलिजिबिलिटी होने वाली है, क्या सीट होने वाली है प्रोफेशनल कोर्स में, इसके क्या फी स्ट्रक्चर होने वाले हैं, सारी चीजें यहाँ पे दी गई है। जैसे बात की जाए बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन की, 3 साल के होते हैं, 6 सेमेस्टर होंगे, 6-6 महीने के, इसमें 100 सीट है, 10+2 आपको पास होना चाहिए, कहाँ से, मैथमेटिक्स से या साइंस ग्रुप से, फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड्स या इक्विवेलेंट। और इसमें जो फीस आपको लगनी है वो फर्स्ट ईयर आपको 52,000 मतलब 52,000 रुपये लगेगा, 4,000 रुपये इसमें इंक्लूड होगा जो कि रिफंडेबल है। सेकेंड ईयर में आपको जो फीस जमा करनी है वो है 48,000 मतलब कि 48,000, और थर्ड ईयर में आपको 51,000 रुपये की फीस जमा करनी है। इसी तरीके से बी सी और एम सी ए साथ में इंटीग्रेटेड में लेते हैं तो ये फीस स्ट्रक्चर है, आप देख सकते हैं। ऐसे ही जो भी कोर्स है इसका यहाँ पे डिटेल में दिया गया है। कुछ सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कोर्स भी हैं, इसके बारे में भी आप जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पे दिया है कि टीचर या एम्प्लॉय वार्ड कोटा, कई बार यहाँ पे जो सीट होती है वो टीचर कोटा के थ्रू भी एडमिशन कराई जाती है, तो आपको अगर आपका कोई रिश्तेदार है या कोई फैमिली मेंबर है वो यहाँ पे टीचर है
या एम्प्लॉई हैं तो आप उनसे एक बार कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि बीसी और एमसीए के पूरे डिटेल के बारे में, कि कौन कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, क्या सिलेबस होने वाला है, सारी चीज़ें यहाँ पे कवर की गई है अच्छे तरीके से। अगर कंप्यूटर आर्किटेक्चर में पूछा जाएगा तो क्या पूछा जाएगा, ब्लॉक स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर कम्युनिकेशन बिटवीन प्रोसेसर एंड इनपुट आउटपुट डिवाइस, इसी तरीके से इंग्लिश के सेक्शन में क्या आएगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो अच्छे तरीके से इसको आप पढ़ लीजिएगा, आपका जो भी कोर्स होगा। इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ाते जाते हैं। कुछ और अगर अच्छी जानकारी मिलेगी जो कि आपको जानकारी होना चाहिए तो मैं उसके बारे में भी बता दूंगा। ये देखिए LLB जो 3 ईयर कोर्स होता है ग्रेजुएशन के बाद, इसके बारे में भी यहाँ पे जानकारी दी गई है। और कुछ एलुमनाई भी हैं इस डिपार्टमेंट के जो कि बहुत ही बड़े बड़े पदों पे गए हैं, उनको भी यहाँ पे दिया गया है। और जो कंस्टिट्यूएंट कॉलेज हैं जहाँ पे ये अवेलेबल है कोर्स LLB, वो है चौधरी महादेव प्रसाद डिग्री कॉलेज या CMP डिग्री कॉलेज या ADC मतलब कि इलाहाबाद डिग्री कॉलेज। इसमें भी 4 पार्ट में इसमें पूरे सिस्टम को बताया गया है। पहले पार्ट में रूल्स ऑफ एडमिशन है और फॉर्म एंड पैटर्न ऑफ एंट्रेंस टेस्ट, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, इंट्रोडक्शन, जो कि आप अपने हिसाब से पढ़ लीजिएगा। इसमें एलिजिबिलिटी दिया गया है कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए, 3 साल का ग्रेजुएशन कोई भी आप किए रहें। इसमें भी मिनिमम मार्क्स दिया गया है 45% जनरल कैटेगरी के लिए, 42% OBC कैटेगरी के लिए और 40% आपके SC या ST अगर हैं तो। पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन दिया है, लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन से आपके 100 नंबर के क्वेश्चन होंगे, 50-50 नंबर के मतलब 50 क्वेश्चन होंगे, 25-25 क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश के, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर के 50 क्वेश्चन होंगे 100 नंबर के, और रीजनिंग मेंटल एबिलिटी एंड लीगल एप्टीट्यूड के 50 क्वेश्चन होंगे 100 मार्क्स के। इसमें भी मतलब आपको 300 नंबर का पेपर देना है। यही सारी जानकारी आपको हिंदी में दी गई है, कुछ BEd से रिलेटेड जानकारी है, इसको भी आप पढ़ लीजिएगा। तो ये था पूरा एक इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल ब्रोशर जिसमें आपको ये दी गई थी जानकारी कि 2022 और 23 में किन किन कोर्सेज में एडमिशन होने हैं, लगभग किस में कितनी सीट है, क्या एग्जामिनेशन पैटर्न होने वाला है। तो NTA के द्वारा जो फॉर्म आने वाला है वो आपका फॉर्म आ जाएगा 6 तारीख को, और अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब है 5 अप्रैल, मतलब कल से आपका फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। कैसे आपको फॉर्म भरना है, कितनी पेमेंट लगेगी, कैसे फ़ोटो अपलोड होंगे, कैसे डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे, सारी चीज़ों की जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से दे दी जाएगी। एक वीडियो मैं खुद बना दूंगा कैसे आपको फॉर्म भरना है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे मैंने ये क्लियर करने की कोशिश किया है कि CU CET क्या होता है। बेसिकली ये एक एग्जामिनेशन है, इसका फुल फॉर्म जो होता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है। इस टेस्ट को कराने का ये मतलब है कि जो आप अलग अलग सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए कई फॉर्म भरते थे, कई बार पेमेंट करते थे, वो चीज़ें आपको नहीं करनी होगी और टाइम से फॉर्म आएगा। जैसे मान लीजिए कई बार क्या होता था कि BHU फॉर्म ला दिया अप्रैल या मई में, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जून या जुलाई में आ रहा है, किसी का रिजल्ट 1-2 महीना पहले आ रहा है, किसी का रिजल्ट 2 महीना बाद आ रहा है, कोई 800 रुपये चार्ज कर रहा है फॉर्म का, कोई 1200 रुपये चार्ज कर रहा है। हर एक यूनिवर्सिटी के लिए आपको सेपरेट फीस जमा करनी पड़ती थी। तो इन सारी चीज़ों को ख़त्म करने के लिए, थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए ये सारी चीज़ों को किया गया है। और इसको जो इस परीक्षा को करा रहा है वो करा रहा है NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो कि पिछले बार BHU के एग्जामिनेशन को कराया था। और इसमें कौन से कोर्स होने वाले हैं सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे बता दिया है।
अगर आप अपने हिसाब से पढ़ना चाहते हैं तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके न्यूज़ सेक्शन में या नोटिस सेक्शन में आपको यहाँ पे ये CUCET का इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, उसमें आप देख सकते हैं। एक और नोटिस है जो कि NTA के द्वारा है, इसमें आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को बताया गया है कि परीक्षा ये कराना है, CUCET एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। ये भी आपके यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के ऑफिशियल वेबसाइट पे है, ये नोटिस जो है 30 मार्च का है। तो इन्हीं सारी जानकारी के लिए मैं इस वीडियो को बनाया हूँ कि जो भी हमारे साथी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में ग्रेजुएशन अपना करना चाहते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी से, ये जानकारी सिर्फ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए नहीं है, इसी तरीके की जानकारी लगभग सभी की यूनिवर्सिटी के लिए होगा। लेकिन जो ब्रोशर आया है ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल ब्रोशर है, इसीलिए मैंने ऑफिशियली इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बारे में ही बात किया है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से काफ़ी सारी जानकारी आपको मिला होगा, कुछ सीखने को मिला होगा, जानकारी मिली होगी, रेलिवेंट जानकारी मिली होगी। अगर फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम आता है तो नीचे हमारा नंबर चल रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में भी कॉन्टैक्ट नंबर होगा, उससे आप जानकारी ले सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना रखते हैं, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।